एक डीजे वाले व्यक्ति नु पुलिस दे वलो गिरफ्तार किया गया ते इस दे उत्ते इल्जाम लगे ने कि रात नु 12 बजे तो बाद भी इस दे वलो डीजे चलाया जा रहा थी। जानकारी मुताबिक कहा जा रहा है कि पुलिस जदो रात नु गश्त ते निकली त रात नु 12 बजे तो बाद भी पुलिस नु डीजे चलदे नजर आया, जिस तो बाद पुलिस मौके दे उत्ते पहुंची तां देखिया कि एक व्यक्ति गड्डी दे विच रख के डीजे चला रहा सी। हालांकि मौके दे उत्ते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीजे चलाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और पूरे सिस्टम को ही जब्त कर लिया। इतों तक कहा जा रहा है कि पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया ते गड्डी भी जब्त किया गया। तो दस दिए कि खबर हरियाणा के महेंद्रगढ़ तो सामने आई है, जिथे कि उच्ची आवाज के डीजे चलाने के उत्ते पुलिस ने डीजे वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया ते नाल ही उसका पूरा साउंड सिस्टम ही जब्त कर लिया। रात्रि को 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक कोई भी डीजे नहीं बाजेगा, इस समझ में अगस्त करते हुए हम माजरा चुंगी की तरफ गए और माजरा की तरफ एक कॉलोनी है उसके अंदर डीजे बाज रहा था, जिसको हमने बाजते हुए काबू किया और काबू करके लाकर मुकदमा दर्ज किया गया, नियमानुसार कार्रवाई की गई। सर कुछ फाइन भी डीजे पे लगाया गया है? हाँ, अभियोग अंकित कर दिया है, जो अदालत जुर्माना लगाएगी लगाएगी। सर जैसे कि देखा जाता है विवाह शादियों का सीजन चल रहा है तो डीजे रात में देर देर तक बजते रहे, तो पुलिस प्रशासन इसको लेके क्या कार्रवाई सख्ताई से निपटने की कर रहा है? जैसे कि सभी को हिदायत दी हुई है, अब एसपी साहब श्री नितेश अग्रवाल जी के दिशा निर्देशानुसार सभी को निर्देश दिए हुए हैं और उसी दिशा निर्देशों के अनुसार रात्रि पेट्रोलिंग के दौरान जो भी हमें डीजे बाजते हुए नजर आते हैं उनकी कार्रवाई की जाती है और भविष्य में भी यही काम करते रहेंगे। अगर कोई डीजे बाजेगा तो उनको लाकर बंद किया जाएगा, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। एक डीजे वाले व्यक्ति नु पुलिस दे वलो गिरफ्तार किया गया ते इस दे उत्ते इल्जाम लगे ने कि रात नु 12 बजे तो बाद भी इस दे वलो डीजे चलाया जा रहा थी। जानकारी मुताबिक कहा जा रहा है कि पुलिस जदों रात नु गश्त ते निकली त रात नु 12 बजे तो बाद भी पुलिस नु डीजे चलदे नजर आया, जिस तो बाद पुलिस मौके दे उत्ते पहुंची तां देखिया कि एक व्यक्ति गड्डी दे विच रख के डीजे चला रहा सी। हालांकि मौके दे उत्ते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीजे चलाने वाले व्यक्ति नु गिरफ्तार कर लिया अते पूरे सिस्टम नु ही जब्त कर लिया। इत्थों तक कहा जा रहा है कि पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया ते गड्डी नु भी जब्त किया गया। तो दस दिए कि खबर हरियाणा के महेंद्रगढ़ तो सामने आई है, जिथे कि उच्ची आवाज के डीजे चलाने के उत्ते पुलिस ने डीजे वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया ते नाल ही उसका पूरा साउंड सिस्टम ही जब्त कर लिया। रात्रि को 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक कोई भी डीजे नहीं बाजेगा, इस समझ में अगस्त करते हुए हम माजरा चुंगी की तरफ गए और माजरा की तरफ एक कॉलोनी है उसके अंदर डीजे बाज रहा था, जिसको हमने बाजते हुए काबू किया और काबू करके लाकर मुकदमा दर्ज किया गया, नियमानुसार कार्रवाई की गई। सर कुछ फाइन भी डीजे पे लगाया गया है? हाँ, अभियोग अंकित कर दिया है, जो अदालत जुर्माना लगाएगी लगाएगी। सर जैसे कि देखा जाता है विवाह शादियों का सीजन चल रहा है तो डीजे रात में देर देर तक बजते रहे, तो पुलिस प्रशासन इसको लेके क्या कार्रवाई सख्ताई से निपटने की कर रहा है? जैसा कि सभी को हिदायत दी हुई है, अब एसपी साहब श्री नितेश अग्रवाल जी के दिशा निर्देशानुसार सभी को निर्देश दिए हुए हैं और उसी दिशा निर्देशों के अनुसार रात्रि पेट्रोलिंग के दौरान जो भी हमें डीजे बाजते हुए नजर आते हैं उनकी कार्रवाई की जाती है और भविष्य में भी यही काम करते रहेंगे। अगर कोई डीजे बाजेगा तो उनको लाकर बंद किया जाएगा, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा।